ऑक्सीजन प्लांट के कंटेनर वाहन के चालक से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात पर की वार्तालाप, जौनपुर जिले के मड़ियाहूं तहसील क्षेत्र के गांव हसनपुर जमुआ निवासी दिनेश उपाध्याय पुत्र बाबुलनाथ उपाध्याय, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन का कंटेनर वाहन चलाते हैं, उनके पास शनिवार को शाम 6 बजे के आसपास मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना परिचय बताया कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीए बोल रहा हूँ, और कहा कि रविवार को समय 10 बजे आपके मोबाइल पर दिन में मन की बात पर आपसे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। रविवार को सुबह 10 बजे ठीक मोबाइल की घंटी बजी। दिनेश उपाध्याय ने मोबाइल को ऑन किया तो दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री ने अपना परिचय कराते हुए मेरा नाम, प्रदेश व पैतृक स्थान की जानकारी ली। उसके उपरांत मेरे नौकरी की जानकारी लेते हुए उन्होंने क्या कहा सुनिए। साथ यह भी कहा कि भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशानी अथवा आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझसे बात कर सकते हो। मेरे द्वारा लिए गए शिक्षा व परिवार की भी डिटेल में जानकारी ली। हमें जरूर बताइए। सर, हमारा नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय है। मैं गांव हसनपुर पोस्ट जमुआ जिला जौनपुर का निवासी हूँ सर। उत्तर प्रदेश से है? हाँ सर जी। और सर, हमारा एक लड़का है, दो लड़की और औरत और माँ बाप। और आप क्या करते हैं? सर, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ सर, लिक्विड ऑक्सीजन का। बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं दोनों, और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है। ये ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से चलती है उनकी? हाँ सर, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी बच्चियाँ हमारी पढ़ रही हैं, ऑनलाइन में ही पढ़ रही हैं सर। सर, 15 से 17 साल हो गया सर, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ सर। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है आप, एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। सर, हमारा काम ही ऐसा है सर ऑक्सीजन टैंकर का, कि हमारी जो कंपनी है आयनोक्स कंपनी, वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है, और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है सर। लेकिन अभी कोरोना के समय में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हाँ सर, बहुत बढ़ गई है। जब आप अपने ट्रक के ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव? काफी दबाव भी रहता होगा, मानसिक तनाव रहता होगा, परिवार की चिंता, कोरोना का माहौल, लोगों की तरफ से दबाव, मांगे, क्या कुछ होता होगा? सर, हमें कोई चिंता नहीं होता, हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर, वो हम टाइम पे लेके, अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत उत्तम तरीके से आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए, आज जब इस महामारी के समय लोग आपके काम के महत्व को देख रहे हैं, जो शायद पहले इतना नहीं समझा होगा, अब समझ रहे हैं, तो क्या आपके और आपके काम के प्रति उनके नजरिए में परिवर्तन आया है? हाँ सर जी, अभी पहले हम ऑक्सीजन के ड्राइवर कहीं भी जाम में इधर उधर फंसे रहते थे, लेकिन आज के डेट में प्रशासन ने भी हमारा लोग का बहुत हेल्प किया, और जहाँ भी हम जाते हैं, हम भी, हमारे अंदर से एक जिज्ञासा आती है, हम कितने जल्दी पहुंच के लोगों की जान बचाएं सर, चाहे खाना मिले चाहे न मिले, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब टैंकर लेके, और देखते हैं हॉस्पिटल वाले हम लोग को वी का इशारा करते हैं, उनके फैमिली लोग जिसके घर वाले एडमिट होते हैं। अच्छा, विक्टरी का भी बताते हैं? हाँ सर, वी बताते हैं, कोई अंगूठा दिखाता है, हमको बहुत तसल्ली आती है हमारे जीवन में कि हमने कोई अच्छा काम जरूर किया है, जो मुझे ऐसा सेवा करने का अवसर मिला है। सारी थकान उतर जाती होगी? हाँ। तो घर आकर उनके बच्चों से बातें बताते हो आप सर? नहीं सर, बच्चे तो हमारे गांव में रहते हैं, हम तो यहाँ आइनोक्स एयर प्रोडक्ट में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, 8-9 महीने के बाद तब घर जाता हूँ। तो कभी फोन पे बच्चों से बात करते होंगे तो? हाँ सर, बराबर। तो उनके मन में रहता होगा, पिताजी जरा संभालिए ऐसे समय? सर जी, वो लोग बोलते हैं पापा काम करो लेकिन अपने सेफ्टी से करो, और हम लोग सर सेफ्टी से काम करते हैं, हमारा मानगांव प्लांट भी है और एनो बहुत हमारा लोग का हेल्प करता है। चलिए दिनेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके, और देश को भी लगेगा कि इस कोरोना की लड़ाई में कैसे कैसे किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। आप 9-9 महीने तक अपने बच्चों को नहीं मिल रहे, परिवार को नहीं मिल रहे, सिर्फ लोगों की जान बच जाए। जब ये देश सुनेगा ना, देश को गर्व होगा।
की लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं। सर जी, हम लोग कोरोना को किसी ना किसी दिन जरूर हराएंगे सर। चलिए दिनेश जी, आपकी ये भावना यही तो देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और आपके बच्चों को मेरे आशीर्वाद कहिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद साथियों। हिंद 24 टीवी के रिपोर्टर कपिल देव सिंह जब दिनेश उपाध्याय के घर गए तो सुनिए उनके माता पिता और परिवार की खुशी अपने बेटे के देश के प्रधानमंत्री से बात करने पर। चाचा जी, क्या नाम है आपका? बाबूलनाथ उपाध्याय। चाचा जी, जो आज अपने जिलों को गौरवान्वित करने वाली बात सामने आई है कि आपके लड़के दिनेश उपाध्याय जी मन की बात में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात किए, आप बताइए कि कैसा अनुभूति आपको हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि हमारा लड़का वहां तक पहुंचा और देश की रक्षा कर रहा है। और कुछ बताइए उनके बारे में, अपने बच्चे के बारे में। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है और बहुत सहनशील है और बहुत बढ़िया है। हमारे लिए तो सब बच्चों से ज़्यादा प्यारा पहले से ही था। क्या काम करते हैं वो? वो वही ऑक्सीजन की गाड़ियाँ चलाते हैं। कहाँ पर? मानगांव। मानगांव, मानगांव, मानगांव डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, मुंबई। मानगांव डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा जी, क्या नाम हो आपका? अपन बताओ। अपन बच्चा है भैया, बहुत कष्ट पाले है, ज्ञान वाला है, ज्ञान बुद्धि करे, उनकी माँ बाप का ख्याल करे। आपका नाम का हो? नाम क्या है? कलावती। अच्छा, ये आपका लड़का जो इतना बड़ा काम के है ना, आपको कैसे महसूस होता? बहुत खुशी की बात है, बहुत सुंदर है, बहुत कष्ट पाले है, बहुत परिवार भी। तू बताओ कि तुहार नाम रोशन की है? बहुत खुशी की बात है। ले जाए दिल्ली तक पहुँचाई दी है तुम्हें, मैं अब स्वर्ग ही होगी की। हाँ भाई।